नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा और मैं हूँ आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है एक की दो की। एक गांव में एक केस वाली और दोन केस वाली नाम की दो बहनें रहती थी। एक केस वाली के सिर पर एक ही बाल था, इसलिए उसे सब एक की बुलाया करते थे। दोन केस वाली के सिर पर दो बाल थे, इसलिए उसे सब दो की बुलाया करते थे। दोकी के दो बालों के कारण उसकी माँ उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की समझती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोकी को भी अपने दो बालों पर बहुत घमंड था, इसलिए वह हर समय एकी को नीचा दिखाया करती थी। एक दिन एकी लकड़ी बीनते बीनते घने जंगल के बहुत अंदर तक चली गई। वहां बहुत सन्नाटा था। उस सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ, कोई मुझे पानी पिला दो। एकी ने अपने चारों ओर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई पड़ी, कृपया मुझे कोई पानी पिला दो। ध्यान से देखने पर एकी को समझ आया कि पानी मांगने वाली और कोई नहीं बल्कि एक मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी है। पास ही एक झरना बह रहा था। एकी वहां से वह चुल्लू भर पानी लाई और मेहंदी की झाड़ी में डाल दिया। चार पांच बार ऐसा करके उसने मेहंदी की झाड़ी की प्यास बुझा दी। मेहंदी की झाड़ी एकी से बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारे लिए अवश्य कुछ करूंगी। एकी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी, मुझे जोरों से भूख लगी है, कोई मुझे कुछ खिलाकर मेरी भूख मिटा दो। एकी ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक पेड़ से बंधी हुई दुबली पतली गाय दिखाई पड़ी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिलाकर उसकी भूख मिटा दी। साथ ही उसकी रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया। गाय ने भी एकी को धन्यवाद किया। एकी आगे बढ़ गई। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी, वह थक गई थी। गर्मी के मौसम में उसका हाल बुरा हो रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। एकी झोपड़ी के पास गई और दरवाजा खटखटाने लगी। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। एकी को देखकर वह बोली, आओ बेटी, अंदर आ जाओ, मैं बहुत देर से तुम्हारी बाट जो रही हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात मानकर एकी झोपड़ी के अंदर आ गई। अंदर आकर एकी ने कुछ देर आराम किया। फिर बूढ़ी अम्मा उसे एक तेल देकर बोली, बेटी, इस तेल को अच्छी तरह अपने बालों में लगा लो, मैंने पानी भी गर्म कर दिया है, जाकर नहा लो। पहले तो एकी शर्माई, लेकिन फिर बूढ़ी अम्मा की बात मानकर नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद जैसे ही एकी ने अपने सिर से तौलिया हटाया, वह हैरान हो गई। उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए थे। अपने बालों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। फिर उसने बूढ़ी अम्मा का बहुत धन्यवाद किया। खाना खाकर वह अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया और मेहंदी की झाड़ी ने उसे हाथों में रचने के लिए मेहंदी दी। एकी खुशी खुशी घर पर पहुंची। घर पर सब उसके बालों को देखकर हैरान हो गए। दोकी का जलन के मारे बुरा हाल था। उसने पूछा तो एकी ने जंगल का किस्सा उसे बता दिया। बिना देर किए दोकी जंगल की ओर भाग गए। वह जल्दी से बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पहुंचना चाहती थी। वह इतनी तेज भाग रही थी कि उसने ना मेहंदी की प्यासी झाड़ी की पुकार पर ध्यान दिया, ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। झोपड़ी पहुंचकर वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। जब बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो वह बोली, ए बूढ़ी औरत, चल जल्दी से मेरे नहाने के लिए पानी तैयार कर। बूढ़ी अम्मा बोली, पानी तैयार है, जाओ नहा लो। बिना देर किए दोकी नहाने चली गई। लेकिन नहाकर आने के बाद जैसे ही उसने अपने सिर से तौलिया हटाया, वह चीख पड़ी। उसके सिर के दो बाल भी झड़ चुके थे। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब उसका सामना गाय से हुआ तो गाय ने उसे सींग मार दिया। और जब वह मेहंदी की झाड़ी के पास से गुजरी तो उसने अपने कांटे उसे गड़ा दिए। दोकी को अपने बुरे व्यवहार का सबक मिल चुका था। उसके बाद से उसका व्यवहार बदल गया। वह एकी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सदा दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए बच्चों, आज आप सभी को चित्र बनाना है एकी और दोकी का,
और हमें भेजना है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।